इंदौर में जिला अस्पताल के जीर्णोद्धार में बजट बड़ी बाधा बन रहा है। सरिये और सीमेंट के दाम आसमान छूने के कारण ठेकेदार ने निर्माण की गति को धीमी कर दिया है, जिसको लेकर जून 2023 में जिला अस्पताल के निर्माण का दावा किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम क्षेत्र में बड़ा सरकारी अस्पताल न होने से जिला अस्पताल पर दबाव अधिक रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2018 में कांग्रेस सरकार ने जिला अस्पताल को 300 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय लिया था। भाजपा शासन आते ही इस निर्णय में कई बदलाव हुए। बजट के अभाव में इसे 100 अस्पताल का ही बेड बनाने का निर्णय हुआ, जिसका विरोध होने पर फिर निर्णय बदला और अब इसे 300 बिस्तर का ही बनाया जा रहा है, लेकिन अब इसका अलग अलग चरणों में निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें, एमपी हाउसिंग बोर्ड जिला अस्पताल का निर्माण कर रहा है। वहीं जिस ठेकेदार ने निर्माण का ठेका लिया है, उसने सीमेंट और सरिये के दाम बढ़ने के कारण काम की गति धीमी कर दी है। वर्ष 2022 के अंत तक अस्पताल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 30-40% ही निर्माण कार्य हुआ है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप गोयल के अनुसार ठेकेदार से इस संबंध में चर्चा कर उन्हें आश्वस्त किया गया है कि वे काम की गति बनाए रखें। भुगतान को लेकर शासन स्तर पर चर्चा जारी है। नवनिर्मित जिला चिकित्सालय जो 300 बेड का प्रस्तावित है, उसमें काम तेजी से चल रहा है। वो उसमें 30-40% काम हो चुका है। हमने ठेकेदार जी से महोदय से निवेदन किया है। उसका यह कहना था कि थोड़ा सरिया का रेट बढ़ने की वजह से उसे काम की गति कम हो गई है। हमने उसको आश्वस्त किया है कि आप काम बंद मत करिए, तेज़ी से शुरू करिए। आपका जो भी डिफरेंस का पैसा होगा, एस्केलेशन का जो क्लॉज डलवा के हम उसका पूरा पेमेंट करने के लिए बात। आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि हमारा रोड ख़राब था, क्योंकि कच्चा रोड होने की वजह से वहाँ काफ़ी कीचड़ हो चुका था। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं, उनको किसी प्रकार की दुर्घटना ना होकर मैंने खड़े होकर 6 घंटे में रास्ता दुरुस्त करवाया है। मगर बारिश में काम सफल नहीं हो रहा है, कि कंस्ट्रक्शन काम बारिश में बल्कि अच्छा चलता है, क्योंकि तरी अच्छी हो जाती है। तो हम काम में हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है फंड की। अगर फंड आ जाएगा तो ठेकेदार महोदय ये कहना बनता है उसको पैसे की कमी आ रही है। हमने उसको आश्वस्त किया है कि तो काम बंद ना कर, हम उससे काम लेके अच्छे से अच्छे करवाना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा काम हो सके। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जून 2023 तक अस्पताल के पहले चरण का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एक बात सामने निकल कर आ रही है कि महंगाई के कारण प्रत्येक तंत्र काफी बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।